नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं क्या न्यूज। आप हमसे जुड़े, हम आपको समाचार से कराएंगे रूबरू। मुख्य सचिव बिहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, जिला प्रशासन को दिया निर्देश। समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव एवं उस पर किए जा रहे बचाव के उपायों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र से बस से चलकर संबंधित जिला के विभिन्न प्रखंडों में चिन्हित जगह पर प्रवासी लोग आएंगे। प्रवासियों को प्रखंड तक पहुंचाया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आने वाले प्रवासी यात्रियों को निर्धारित स्कूल में ही रखने का निर्देश दिया। स्कूल में रहने वाले लोगों की पूरी विवरणी यथा नाम, फोन नंबर रखा जाएगा। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। जनप्रतिनिधिगण स्कूल में ठहरे हुए लोगों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखेंगे और यदि उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव या कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण दिखेगा तो संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे। 15 मार्च के बाद आए सभी प्रवासी यात्रियों व्यक्तियों को फोन कर होम क्वारंटाइन में रहने की जानकारी देने का भी निर्देश दिया। यह काम जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जाएगा। आपको क्या न्यूज का समाचार यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में निवेदन है कि इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड अवश्य करें। एक और निवेदन कि अभी जो केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है उसका पालन सभी लोग करें, अपने घर ही में रहें ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रुके और कोरोना हारे और हम लोग जीते। धन्यवाद।